हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्लू स्मोक आईज मेकअप लुक जो है शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले मैं लूँगी लैक्मे की सीसी क्रीम एंड उसको मैं अच्छे से अपने आईज पर अप्लाई कर लूँगी एंड मैबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट की हेल्प से उसको अच्छे से सेट कर लूँगी। नेक्स्ट जो मैं अप्लाई करूँगी काजल, ये है ब्लू हेवन का काजल एंड इसको जो है मैं अपने आउटर वी पे फोकस करते हुए अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही अच्छा काजल है अफोर्डेबल रेंज में। यदि आप इस कोई अफोर्डेबल रेंज में अच्छा काजल ढूंढ रहे हैं तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं गाइस। इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इस काजल को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड उसके बाद मैं लूँगी ये ब्लू कलर का आई शेडो एंड इसको जो है मैं अपने हाफ आईलिड पे अच्छे से अप्लाई करके इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट जो है मोल लूँगी मैं एक ट्रांजेक्शन शेड, ये है बहुत ही अच्छा सा ब्राउनिश कलर है। इसको मैं अच्छे से अपने क्रीज पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एंड उसके बाद नेक्स्ट मैं लूँगी ये ब्लू हेवन का स्केच पेन आई लाइनर एंड इससे जो है मैं बहुत ही थिन एक आई लाइन ड्रॉ कर लूँगी। एंड आप चाहें तो आई लाइनर को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने स्मोकी आईज क्रिएट किया है तो उसमें इतनी नीड नहीं है लाइनर की, बट मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी एंड उसके बाद मैं लूँगी ब्लू हेवन का काजल जो है मैं अपने आईज को टाइटन अप कर लूँगी एंड एक स्मॉल आई शेडो को लेकर मैं अच्छे से अपने काजल को स्मच कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ये ब्लू हेवन का मस्कार, इसकी 2 से 3 कोट मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो या आईज का मेकअप जो है डन हो गया है एंड उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट लूँगी एंड इससे जो है मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी एंड उसके बाद मैं लूँगी ये लैक्मे की पीच मिल्क क्रीम, इसको मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट मैं NYV का प्राइमर यूज करूँगी। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है, जहाँ जहाँ मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। प्राइमर अप्लाई करने से आपका बेस मेकअप जो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है एंड उसके बाद मैं वही सीसी क्रीम को अगेन अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे एंड अपने फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं एंड उसके बाद मैं वही फिट मी कॉम्पैक्ट पैक लेकर अपने बेस को जो है सेट कर लूँगी। एंड नेक्स्ट मैं लूँगी ये स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट, इसमें से एक ब्लश शेड लेकर मैं अपने चीक्स पे एंड नोज पे अप्लाई कर लूँगी एंड सेम पैलेट में से एक हाइलाइटर शेड लेकर मैं अपने चीक्स पे नोज पे एंड ब्राउ बोन को अच्छे से जो है हाईलाइट कर लूँगी। इसमें ये हाइलाइटर जो है बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, आप चाहे तो इस पैलेट को परचेस कर सकते हैं एंड इससे जो है मैं इनर कॉर्नर्स को भी अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। सो या बारी आती है लिपस्टिक की। सो यहाँ पे मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का शेड लेकर अप्लाई करूँगी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक कलर है एंड इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। सो या गाइस, दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक।